नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, अगर आपने यूपी TSSSC की वीडियो के एग्ज़ाम की एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, आपको लग रहा है वीडियो बनने वाले हैं, तो आपके लिए इससे बुरी कोई खबर नहीं हो सकती। क्या खबर है आप जानिए, या फिर आपका UPSSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसका इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो उसके लिए भी बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है, अब देखिए खबर क्या है। आज के अमर उजाला में, अमर उजाला अखबार में आज की खबर है, पिकअप भवन में आग, 3 मंजिलों के कई दफ्तर राख। अब आग है, आग से आपको मालूम, पिकअप भवन क्या है, पिकअप भवन समझ लीजिए लखनऊ में है, गोमती नगर में, UPSSSC का कार्यालय इसी भवन में है, पिकअप भवन में। अब आप समझ सकते हैं खबर कितनी बुरी होने वाली है ये। अब आग लगती है तो जो जलता है वो तो जलता है, और जो नहीं जलता वो भी जलता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब पूरी खबर देखिए आप, यूपी का भवन में आग, 3 मंजिलों के कई दफ्तर राख। UPSI, DC, वन विभाग और कंट्रोल, एड्स कंट्रोल समेत कई विभागों की अहम फाइलें नष्ट। देखिए खबर लखनऊ की गोमती नगर की है। लखनऊ गोमती नगर स्थित पिकअप भवन में बुधवार शाम लगी भीषण आग से औद्योगिक विकास विभाग, वन विभाग, एड्स कंट्रोल विभाग समेत कई दफ्तर जलकर राख हो गए। दफ्तरों में रखी कई महत्वपूर्ण फाइलें भी जलकर नष्ट हो गई हैं। आग के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। विभिन्न फायर स्टेशनों की गाड़ियों की मदद से करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। पिकअप भवन के सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि शाम 7:15 बजे ए ब्लॉक के द्वितीय तल पर स्थित औद्योगिक विकास विभाग कार्यालय में अधिकारी NK सिंह के चैम्बर से धुआं उठता दिखा। इसके बाद कोई कुछ कर पाता, लपटें इतनी लगी निकलने लगी। कुछ ही देर में लपटों के ने 3री मंजिल के UPSI, DC व वन विभाग के वन विभाग तथा चौथी मंजिल पर एड्स कंट्रोल विभाग के दफ्तर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं पुलिस का कहना कि इन्हीं 3 मंजिलों पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, UPSSC, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, पिकअप भवन के लीगल डिपार्टमेंट के दफ्तर हैं। आग से धुएं में कितना नुकसान हुआ है इसका पता दफ्तरों में फैले धुएं के कारण नहीं चल पाया है। अब UPSSC वाले आप देख लीजिए, आज से शुरू होने वाला था ऑडिट, चर्चा है कि बृहस्पतिवार चर्चा है कि बृहस्पतिवार से कुछ विभागों में ऑडिट शुरू होने वाला था। आग लगने के बाद वहां पहुंचे विभागीय कर्मचारी बता रहे थे कि आग ऑडिट के डर से लगाई गई ताकि घोटालों की परत न खुले। वहीं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का भी कार्यालय है, जिससे भर्ती के दौरान धांधली की गई थी, उनकी भी जांच की जा रही, वहां भी दस्तावेज जलने की चर्चा रही। आप देखिए UPSSC का, इसमें अखबार में भी साफ साफ लिखा है कि धांधली हुई थी, उसको पर्दा डालने के लिए आग लगाई जा सकती है। अब होता यही है, शॉर्ट सर्किट का बहाना होता है और गेम कोई दूसरा खेल लिया जाता है। अब जैसे आपको मालूम है UPSSC में मामला चल ही रहा है, कितना बड़ा कांड हो गया वहाँ पे, उसके बाद UPSSSC भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसके बाद भी अब देखिए आग लग गई है। कितने रिजल्ट आने वाले थे, कितने एग्ज़ाम होंगे, सब मिट्टी में मिल गए। आप ये मान लीजिए अब आग लगी है, कोई भी बहाना बनाया जा सकता है कि ये फाइलें जल गई, वो फाइलें जल गई, अब कुछ काम नहीं होगा, या घोटाला दब जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ये मान लीजिए काम बहुत मुश्किल ही है कि आने वाले कुछ महीनों में कोई काम हो, या पिछला जो एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया उसका क्या होगा पता नहीं। आप देखते हैं आगे क्या न्यूज़ आती है, जो न्यूज़ आएगी आपको दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।